फिर से आधा घंटा पहले आ गए हम लोग। वो शेफाली जी तो 7 बजे आने वाली है ना? हाँ, आधे घंटे पहले आए हैं इसलिए बैठने की जगह मिली। आधे घंटे बाद आते तो पांव रखने की जगह नहीं मिली। अब ये क्या लॉजिक है? व्हाट लॉजिक? तुम भी ना ईशा। हाँ क्या तुम भी ना? क्या अरे बाबा प्लीज प्लीज। अरे अरे सोड़ा सुडोड़ा पूरा काजल फैला दिया। इकड़े ये जहाँ ईशा शांतनु और सभी कॉफी शॉप में इंतजार कर रहे हैं मैच मेकर शेफाली का, वहीं ईशा देख लेती है मिसेस ठक्कर को। और अब जहां शांतनु के मुंह से निकल ही जाता है कि हो सकता है शेफाली मिसेस ठक्कर के बेटे के साथ ही सभी का रिश्ता लेकर आ रही होगी, और ऐसा सुनकर ईशा एकदम से बोल देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो ये रिश्ता तो होने ही नहीं देगी। और फिर शेफाली और ठक्कर को एक साथ गुफ्तगू करते देख एक बार फिर उठती है ईशा और बोलती है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बताया था शेफाली ने लड़के के बारे में, और स्टॉक मार्केट में तो ठक्कर लोग भी डील करते हैं, तो हो ना हो ये रिश्ता ठक्कर के बेटे के साथ ही होगा जिसका नाम भी नीरज है, बोलती है। और अब शांतनु और सभी के लाख मना करने पर भी जाती है ठक्कर के टेबल पर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं टॉफी शॉप समझ के कॉफी शॉप में तो नहीं आएगी? शेफाली, इनके बेटे के साथ तू मेरे बेटे का रिश्ता करने चली थी? नो शेफाली ना होए, तुम इस औरत की बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के लिए लेके आई हो? इस व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, आप एक दूसरे को जानते? बैड लक है मेरा, मेरी बिल्डिंग में रहती है ये। जब से शिफ्ट हुई हूँ बिल्डिंग में तब से नाक में दम करके रखा इस औरत ने। कभी कभी तो लगता है हमारी बिल्डिंग नहीं प्राइमरी स्कूल है जिसकी ये प्रिंसिपल है। और फिर तंज कसते हुए शेफाली से कहती है कि क्या वो उसके बेटे के रिश्ते और उस औरत की बेटी से तो नहीं करवाना चाहती। पर अब ईशा पूछती है कि वो जानती ही क्या है सभी के बारे में। पर अब ठक्कर बोल पड़ती है कि जानना क्या है उसकी बेटी के बारे में, जैसी झगड़ालू माँ वैसी ही होगी बेटी। अच्छे घर से रिश्ता लाइए मेरी बेटी के लिए, लुच्चे घर से नहीं। लुच्चे? यस एंड टुच्चे टू। कैसी लैंग्वेज यूज कर रही है? होल्ड ऑन होल्ड ऑन, कोई गलत फहमी हुई आप लोगों के बीच में। ईशा जी, जो लड़का ईशा को दिखाने के लिए बुला रही है वो तो 7 बजे आने वाला है, और भाग्यश्री ने तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है। और अब चैन की सांस लेते हुए ईशा थैंक गॉड बोलकर कहती है कि बच गए वो, ऐसे घर में सभी को तो वो बिल्कुल भी नहीं देती। नाउ गो, अपने टेबल पे जाके बैठो। गो। क्यों? ये कैफे आपका है? खरीद लूं तो? शेफाली जी कहाँ आप इनके टेबल पर बैठकर अपना क्लास डाउन करवा रही हैं? कम जॉइन अस। क्लास की बातें कर रही है, जो है वही बोल रही है। आइए आइए चलिए। इस चलिए मुझे इस चलो। ये ऐसे क्लाइंट है आपके? और इधर शेफाली भी अब ठक्कर को शांत कराती है और बोलती है कि वो अपने बेटे के बारे में बताएं। और बस ठक्कर अपने बेटे के बारे में बोलती है कि वो तो हीरा है लाखों में एक। और वहीं एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान रजत ठक्कर से हम भी मिलते हैं। तो आखिर ये है मिसेस ठक्कर का बेटा, चलिए आपसे भी मिलवाते हैं। कुछ क्रिएटिव सोचो आउट ऑफ द बॉक्स। सॉरी सर। यू शुड बी। एक बात हमेशा याद रखना, एक सपना किसी की जिंदगी बदल सकता है, एक अच्छा आइडिया दुनिया बदल सकता है, और एक अच्छा एड कैंपेन एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकता है। एटीट्यूड तो है ही नहीं उसमें बिल्कुल, जरा ही नहीं। सबको ऐसे एक साथ लेके आगे बढ़ता है। 99.9% भी नहीं चलता, आइडिया हो तो एकदम नया हो 100%। ये है रजत ठक्कर जिसे ईशा नीरज बता रही थी और समझी थी कि सभी का रिश्ता इसी से होने जा रहा है, और बोलती है कि उस घर में तो कभी रिश्ता होने ही नहीं देगी अपनी सभी का, नेवर।
पर कौन है ये नीरज आखिर जो 7 बजे आने वाला है सभी से मिलने। देखते रहिए वो मैं किसी के प्यार में कि आने वाली अपडेट्स में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नीरज से भी और रजत से भी, यही कंप्लीट बॉलीवुड के सारे अपडेट्स में। देखते रहिए गो में किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं पर। फॉर्चून कुकी की प्रेडिक्शन पढ़ रही थी। फॉर्चून कुकी। वैसे ईशा, मैं एक बात सोच रहा था कि अगर तुम और मिसेस ठक्कर समधन बन गई तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा महायुद्ध।